Let's go.
solo convention. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਾਲਚ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਬਹਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ
जिन्हें मुक्ति एक ख्वाब वालू दिखाई सी उन्हें तो इसलिए संकर आख दिता भी मनुख सोची पै जाए भी हर आदमी इस दरवाजे लंघ गई सी ते मैं उसनू कोई चीज प्रगट रूप च दे नहीं सकता आसानी नाल मेरा खाड़ा चुप जाएगा जे मैं आखा राई दसवें भाए मन तो मैगल हो रहे निकसे क्यों कर जाए। अगले पासे जवाब भी आ गया कि कबीर ऐसा सतगुरु जे मिले तो ठा करे पसाओ ऐसा साधन बढ़ा दे ते फिर की होता है मुक द्वारा मुकला मुक्ति का दरवाजा बड़ा हो जाता है जिंदे नाल सहजे ही आउन जान बढ़ जाता है। संकरे विच्चों तो लंघना औखा है पर मोकले विच्चों मोकले का मतलब होता है खुला संकरे का मतलब छोटा संकोचवा संकरे विच्चों लंघना औखा सी पर मोकले विच्चों तो लंघना बड़ा सौखा है। इसलिए जे गुरु मिल जाए वो कोई साधन बना दे ता मुक्ति का द्वारा मोकला हो सकता है ताकि आसानी नाल आ जा सके। और इत्थे मरण तो बाद मुक्ति का जिक्र नहीं जेड़ी गल मैं तुहानूं समझाउणा चाहुंदा असी अपने इतिहास में भी मरण मुक्त वाली गल पा दी अनेक 40 मुक्तियां का इतिहास असी किवें करदे शहीदियों तो बाद कुर्बानियों तो बाद उन्होंने नाल नाल मुक्ति जोड़ी पहला नहीं जुड़ी है गुरु के दिन नहीं मरण मुक्त किन पाई दिन भगत कहता हूँ इतने एक गल समझनी है कि मुक्ति का अर्थ है गुलामी तो बाहर आना बंधन तो बाहर आना जेल तो बाहर आना जिथे मनुख दे अपनी शक्ति हार जाए उन्हें गुलामी कहते हैं ते जिथे मनुख विच अपनी मर्जी दी हर एक चीज उन्हें मुहैया हो गई उन्हें आजादी कहते मुक्ति कहते। हुण इत्थे बाबा कबीर जी ने एक गल किसी को सजा गुलामी की मिलती है तो जरूरी होंगी है उनकी होंद को पहला तसव्वुर किया जाए। मैं एग्जाम्पल वजो कोई आदमी चोर है उन्हें चोरी की कातल है उन्हें कतल किया उन्हें किसी ने देखा भी है देख के उन्हें उनका मुहांदरा भी दस दिता है पर केस कदों कंप्लीट होंदा है सजा कदों मिलती है जदों वो आदमी की होंद लग पवे पिछा कर दी कई बारी उस केस नूं सिर च रहने कई साल लग जाते हैं। उनका मतलब होंदा कि जिस आदमी दे नां ये जुर्म लग रहा है वो आदमी लभना चाहिए सामने होना चाहिए जी भला दो चार साल बाद साल दो साल बाद यह चीज सामने आ जाए कि जिंदे ना ये इल्जाम लग रहा है वो तो है ही नहीं उनकी होंद ही कोई नहीं जिन्हें तारीखा में इनके ना इल्जाम लग रहा है उन्हें तारीखा में भी वो है नहीं सी केस खत्म हो जाएगा किन्हू सजा दे मैं एग्जाम्पल किन्हू सजा दे जिन्हू सजा दिती जानी है जेड़ा जुर्मी है उनकी होंद जरूरी है पता लगना चाहिए। हुण गुरु कहते ने इत्थे मुक्ति का कारण उत्थे खत्म हो गया जिथे होंद खत्म हो गई
ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਰ ਬੀ ਪੀ ਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਚੂਨ ਚੇਨ ਨਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਬੀ ਪੀ ਅਰੀ ਚੂਨਾ ਉਜਰ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਹੂ ਬਹੂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਹੋ ਬਹੁ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੇਂ ਜੁਲਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੰਕਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੰਕੜਾ ਅੜਾੜੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਰਾੜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੜਾੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਅੱਛਾ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੜਾ ਅਡਾਰੇ ਨਾਲ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਨਿਕਸ਼ੈ ਕਿਆ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਾਮੂਲੀ ਮੂਲੀ ਫਰਕ। ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਲਾ ਸਹਿਜਿਆ ਹੋ ਜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਬਾਕੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਲੋਕ ਦੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮੀ ਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। मनुख वड्डा बनना चाहता है ए इसलिए मुकुट नहीं हो गया। तो गुणा जिन्ने ने सारे इन्दे ना लग रहे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दो सिद्धांत बड़े स्पष्ट ने। एक लाइन है जिंद च है, ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, जो किश किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर एक इंसान है। भी ना मैं कुछ किया ना मैं करूंगा, मैं तो कुछ हाँ ही नहीं करूंगा क्यों। एहो गल दूजे भगत ने नामदेव ने भी की थी। जदों सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे कामा, नामा सुल्तान ने बांध ला, देखो तेरा हर बीट ला, बिस्मा को दियो जीवाए, ए कतल कर दिती गई मारी गई गऊ नू जिंदा कर, सुनिया तू मुरदे नू जिंदा कर लैना, बिस्मा गऊ दियो जीवाए, ना तर गर्दन मारो ठाए, जे तू इनू मरी हुई गऊ नू जिंदा ना कीता तां मैं समझांगा तू लोगों नू पखंड दे मगर लाना, पर समझ पा रहे इसलिए मैं तैनू खत्म कर देगा, ना तर गर्दन मारो ठाए। हुण इत्थे बाबा नामदेव भी उह जवाब दिंदा जिहड़ा जवाब उत्थे कबीर दिंदा। उह कहिंदा बादशाह ऐसी क्यों होए, मरी हुई गऊ जिंदा कर, ये जिंदा करना या मारना मेरे हाथ में तो है नहीं। देखो रब्बी कंसेप्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का कंसेप्ट किवें मेल खांदा है। देखो केड़ा घोड़ा है वो मनुख मैं फिर कहना पैदा गल सामने आ गई जिन्हें पिछले दिनों में गुरु अर्जुन पातशाह जी के तो लाए कि उन्होंने भगत बाणी बदलिया है। हम तुम देखो बदलन का तो मसला ही न रहा जो कंसैप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हम बाबा कबीर भी यो कह रहे हैं, कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, जो किश किया सो हर किया, पयो कबीर कबीर। ते बाबा नामदेव भी यो गल आख रहे हैं, कहना बादशाह ऐसी क्यों होए, ये बादशाह ये किवें हो सकता है किसे नूं तू कतल कर देवे ते मैं उन्हूं जिंदा कर दिया। कई चीज़ां आपस विच मेल खांदियां ने। हुण पंजां प्यारियां दे प्यारियां दे साखियां वी इत्थे ही घड़ियां होईयां। ओह अज तक साडे जीवन दा इक ओह इतिहास बणिया रिहा जिंदे ते तरह तरह दी क्रिटिसिज़म हुंदी रही। क्यों हुंदी रही? क्योंकि रब्बी नियमां दे उल्ट सी। हुण ओह रब्बी नियम कोई मेरे जां तुहाडे बनाए होए ने, गुरबाणी विचों स्पष्ट प्रगट कर रहे ने, मेरे भगत नहीं कर रहे गुरु भी कर रहे। हुण ऐसा किवें हो सकता भी गुरु भी एक गल आखे भगत भी आखे ते असीं उसनूं मनीए ना। लो इत्थों परेशानी खड़ी हो गई। गुरु भी आख रहा है जम्मण मरना हुक्म है, भाने आवे जाए गुरु फैसला दे। कहता है तले जमन ते मरना मौत ते जीवन ये उस मालिक दे हाथ में, किसे दे हाथ में ना, हर बिन कोई मार जीवाल ना साथी। गुरबाणी तो कहे हर बिन कोई मार जीवाल ना साके, मन होए नचिंद निसल कर रही है। कहते हैं हे मनुख बिल्कुल बेफिक्र होके रह,
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਭਾਵ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਇਸਕੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਇੱਕ ਵਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਕਿਸ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੈ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮਰਾ ਪੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਡਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੂ ਬਹੂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਝਗੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਲਾ ਆਰਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਣਾਂਗਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਂਦ ਦਿਸ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
जिथे बाबा कबीर जी ने यह श्लोक दिते ना, कबीर मुख द्वारा संकड़ा राई दसवें भाए, मन तो माइगल होए रहे हो निकसियो क्या कर जाए। ऐसा सतगुरु जी मिले ठा करे पसाओ, मुकुर द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। उठे ले बस कहने लगे मुकुर द्वारा आत्मिका बड़ा चंगा है, छोटा है इन्ना छोटा है, जिथे राई दसवीं पाया क्या ना उस तो भाव है इन्ना छोटा है कि उसकी होंद ही मुश्किल है। किसी थान से भी अपने आप को यह नहीं साबित करता कि मैं भी कुछ कर सकता। सीखी की है, सीखी कमाई यह है कि अपनी होंद खत्म करना। मैंने क्यों कह दिता खत्म हो सकती है। साडा तो सब कुछ हों ते खड़ा है, गुरु कहने जो हों ते खड़ा है वो मूर्ख गवार है। हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गवार है। ये भी एक गौरव वाली गल हो गई कि मैनू कोई मूर्ख गवार आखी जाए पर मैं ये आपा ना छदा। अज साड़ी गल ते श्री गुरु ग्रंथ पातशाह चरणों में बैठ के ये हों छदना जड़ा है ना, ये कोई बार बार तबीयत की गई है। हूँ मसला ये है कि हों किवें छड़ी जाए कि मनुख मुक्त हो जाए सारे गुनाह तो मुक्त, सारिया सजावां तो मुक्त। जिस दिन होंद खत्म हो गई उन्हें अर्ज की जिस जिनी देर होंद ना सामने आवे उन्नी देर कोई सजा नहीं। आयत बन गई उन्दे ते जरूर भी आयत हो गए पर की करूंगी, बंदा तो लभ्या नहीं अज तक, पूरी होंद कोई नहीं। कह लगे एक गल जरूरी समझने वाली कि मनुख हों छड़ दे किवें छड़े, मुक्ति किवें मिले। जो इहदा मतलब है मुक्ति जिहड़ी असीं पाउंदे आ जिहनूं असीं मुक्त दा नाम दिंदे आ उह किवें मिलदी। गुरु ने श्री जपजी साहिब दी इक्को लाइन विच जवाब दे दित्ता, बल्कि एक पौड़ी नूं जरा सारी नूं पढ़ लई ते होर स्पष्ट हो जांदा। कहिंदे जे मैं कोई दिसदा भी हां ना तो ते ए मेरी बरकत नहीं, मैं कोई अपने आप नो बनाया नहीं कि मैं एडा महान हूं। हुक्म बेचना
सारी मुक्त हो। पर ये तो हमें ही सोचना है ना भी असि सारे उनके हुक्म विच किन्ने काम लो आ कारण है मनुख मुक्ति पा रही है क्योंकि मुक्ति का दरवाजा भी इन लिया वो है हुक्म। जो मनुख समझ लवे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता उनके हुक्म विच सब कुछ हो रहा है तो हो खत्म हो गई ना हो खत्म हो गई तो होंद खत्म हो गई होंद खत्म हो गई तो सारे केस खत्म हो गए सारी फाइल ही खत्म हो गई। कहने लगी सब तो पहला हुक्म नूं बुझण दी लोड़ है ते जिस दिन मनुख ने यह समझ लिया ना भी हुक्म विच है सब कुछ फिर कह सकेगा ना हम किया ना कर करेंगे ना कर सके जो कुछ किया सोहर किया क्यों पता मैं तो कुछ किया ही नहीं फिर वो नाम दे रहा कह सकेगा बादशाह ऐसी क्यों है बिस्मिल किया न जीवे कोई हमारा किया कुछ न कोई कर हैरान हुए है सोए ये सारी चीज जिन्नी संसार दी इख्तलाफ जिन्दे जिन्ने गुना जिन्ने ईर्खा द्वैखता टकराव सारा एक गल ते निर्भर है क्योंकि मनुख आउ नहीं छड रहा ते जिन्नी देर आउ नहीं छड रहा उन्नी देर होंद कायम होण दा अर्थ ही होना ते जिन्नी देर होंद कायम है उन्नी देर फाइल नहीं खत्म हो सकती। कहते इको तरीका है कि सब तो पहला तू हुक्म बुझ कि जो कुछ हो रहा है उनके हुक्म विच हो रहा है मैं तो कुछ नहीं कर सकता ते जिस दिन तू ये कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता बस हों खत्म हो गई हों खत्म हुई तो हों खत्म हो गई कोई थी नहीं एक शब्द एक श्लोक अगे आएगा जिंदे चो कहते कबीर नाम छान ना छापरी नाम घर ना ग्राह क्या कहना ना मरो वो मरने का चाव है मरो तो हर के द्वार मरो तो हर के द्वार क्यों मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार रब मालिक कभी पूछ लिया मेरे दरवाजे अगे कौन मरिया पे तो फिर सोची पै गया जो आखेगा कौन मरिया पै फिर भी तो मसला कौन का तो आ गया फिर कौन है कितों का रहने वाला इनकी जात की एड्रेस की कहने लगे नहीं नाम होए छान ना छापरी नाम होए घर ना गिराओ मत हर पूछे कौन है मेरी जात ना नाओ बहुत खत्म हो गई। कहने लगे जिन्नी देर आओ खत्म नहीं होंगी उन्नी देर तेरी ओ गुनाह दी लिस्ट ओ गुनाह दी फाइल नहीं खत्म होंगी क्योंकि हुण तक गुनाह तू कर रहे क्योंकि कर्म तू कर रहे ते जिस दिन सतगुरु बाणी अंदर हर गल का जवाब देता है कर्म करत हो गए मैं करम है वो भी तरीका है भी कर्म करे भी तो ना हो वर्गे हो लगे हुई गल है जिन्ना कर्म तेरी हो ना हो भी मैं कुछ किया कह लगे कर्म करत हो गए मैं कर्म कह लगे सब तो जरूरी गल है भी कर्म करने ने है तू संसार अंदर रहना कुछ करना ही है ये भी बार बार बदरू ने आख्या कि तेन एक कर्म कर धरती मिली तू करना ही है कुछ ना कुछ आखिर जबान मिली है उन्हें बोलना है अखा मिली ने उन्हें देखना है पैर मिले ने उन्होंने चाहू चलना हाथ मिले ने उन्होंने कुछ करना आखिर तो हर एक चीज कर्म ते खलोती है सिर्फ फर्क इना है कि कर्म करत होवे ने कर्म
तू जो कुछ भी करे जो कुछ भी बोले वो ये समझ के मैं नहीं करना। पर गुरबाणी अंदर रोज पढ़ने के गुरु नानक ने आखिरता जो बुलावो नानक दास बोल हम आपको बोल ना जानदा मैं कह सब हुक्म जियो आख दें क्यों भाव अपना आप समर्पण करना अपने होंद खत्म करना अपनी चतराई ते सियाणप नू मटाना ते आखना है मेरे मालिक जो कुछ करा रहे हैं तू करा रहे मैं कुछ नहीं कर रहा। कहने लगे नानक हुक्म है जे बुझे ता हमें कह रहे क्यों उनकी होंद खत्म होंगी है ते जिस दिन होंद खत्म हो गई फाइल खत्म हो जाती है मनुख मुक्त हो जाता है इसे का नाम होता है क्योंकि सजा याफ्ता नहीं रहता फिर उन्होंने गुनाह की सजा खोई। श्री गुरु ने यह गल बाणी में बाबा कबीर जी की रचना तो आखी कहने लगे मन तो हाथी वर्गा हो गया है उनकी होंद इन्नी वड्डी हो गई वो तो हर गल में अपनी होंद को वड्डा कर रहा है छोटा नहीं कर रहा। गुरु कहते ने केड़ी अजीब गल है मुख द्वारा आत्मी का नाना हो सो जाए तो बड़ा बरीक सूक्ष्म होएगा जिंदी अपनी होंद ना दिसे नाना हो सो जाए। कहने लगे हों के कारण मन जड़ा है वो तो हाथी हो गया हों नाल हाथी होया इसलिए जरूरी है कि तू हाँ खत्म कर फिर संसार के सारे कर्म करद्या भी तेन कोई सजा नहीं क्योंकि इसलिए क्योंकि नाल लफज आ गए ने वो सजा त नहीं क्योंकि डरिए जे कुछ आप दू की डर जे तू ये आखे भी मैं किया जे तू आखे मैं कुछ भी नहीं किया अपनी होंद विचों कढ ले ते फिर तू मुक्त हो गया तेरी फाइल खत्म हो गई। पर कहते हैं ये गल तो गुरु ही समझाता है असी श्री गोबिंद साहब के दरबार में आके बाणी पढ़ के बाणी समझ के यो तरीका अख्तियार करना है कि दुनिया अंदर रहिए संसार के कर्तव्य करिए दुनिया के काम करिए पर अपनी होंद विच ना लिया अपनी होंद तो वक्रे हो फिर समझो असी फाइल खत्म कर ली मुख द्वारे ते पहुँच गए। यो गल बाबा कबीर जी ने इन्हों के समझ के कह
किस स्वर्ग की इच्छा रखना किसे नरक दोजख तो डर के ओदे को बचन का मन अंदर ख्याल ते उपराला करना उनका नाम मुक्ति रख लेना। जे तू अपनी होंद खत्म कर विचो हंकार खत्म कर दे ये नहीं कर्म खत्म करने कर्म तो करने ही कर्म खत्म नहीं करने सिर्फ ये है कि विच जिड़ी हों खलोती है हम किया हम करेंगे वो छड़ देंगे उनकी थान से ये कहना शुरू कर दें ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर इसलिए दोनों चीज़ों हम उस समय रख देती हैं कह लगी जरूरी है कर्म कर पर हों छड़ दे हर कर्म के नाल अज मनुख हो नहीं बैठे मैं अज लंगर कराया मैं अज अखंड पाठ कराया मैं फलाने की मदद की हेल्प की हर गल के नाल मैं लफज जो चुड़िया होया ना वो तेरी होंद लई बैठा है तो होंद जी है वह तेन मुक्त नहीं हो दी तेरी फाइल बन रही है फाइल उस दिन खत्म होनी है जिस दिन तेरी होंद ना लगी बख्शिश कर शब्द चुका फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।